आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी एंड एमसी, हमें आउटपुट और टीसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। टीएफसी हमारी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एएफसी हमारी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवीसी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एमसी हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। हमें आउटपुट और टोटल कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे आउटपुट और टोटल कॉस्ट। तो आउटपुट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट है 6। हमें टोटल कॉस्ट भी दी हुई है, तो वो भी लिख लेते हैं। 120 फर्स्ट आउटपुट पर है, 150 सेकेंड आउटपुट पर कितनी है, 170 थर्ड पर है 186 फोर्थ पर है 200 फिफ्थ पर है 220 सिक्स्थ पर है 270। हमने टोटल कॉस्ट भी लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवीसी। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट दी है, इससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी निकल आएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TCN माइनस 1। TC हमारी क्या है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी है, इससे हमारी क्या निकल आएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला TCN माइनस 1। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है, तो इससे हमारी निकल जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट हमेशा 0 ही होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट 150 है, ये हमारी TCN है। TCN माइनस 1 मतलब एक आउटपुट पहले। तो TCN माइनस 1 कितना है, 120। 150 माइनस 120 करेंगे तो ये आएगा 30। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया, ये हम बाद में समझ लेंगे, पहले मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर कैलकुलेट करना है। 170 TCN हमारी, TCN माइनस 1 कितना है, एक आउटपुट पहले मतलब 150। 170 माइनस 150 करेंगे तो ये आएगा 20। नेक्स्ट हमारा क्या है, 186 माइनस करेंगे 170 से, तो 186 हमारा TCN है। TCN माइनस 1 क्या है, 170। तो 186 माइनस 170 करेंगे तो ये आएगा 186 माइनस 170 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट थर्ड आउटपुट पर है। फोर्थ पर क्या होगी, 200 हमारी टोटल कॉस्ट है। TCN हमारी 200 है, माइनस कर देंगे 186 से। TCN माइनस 1 क्या, 186। तो 200 माइनस 186 ये आएगा 14। ये 14 हमारी क्या है, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट है। फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट की कैलकुलेट कर लेते हैं। फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर है 220, माइनस किससे करेंगे, TCN माइनस 1 मतलब एक आउटपुट पहले। तो ये 220 माइनस 200 करेंगे, ये आएगा 20। ये कितना आया, 20। अब है सिक्स्थ लेवल ऑफ आउटपुट। TCN हमारी क्या है, 270 और TCN माइनस हम करेंगे, TCN माइनस 1। TCN ये हमारी है 270, एक आउटपुट पहले मतलब TCN माइनस 1 220। तो 270 माइनस 220 करेंगे, ये आएगा 50। ये हमारी क्या निकल कर आई है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमने टोटल कॉस्ट से निकाली है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा समेशन MC। समेशन MC करेंगे तो हमारी क्या निकल कर आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें ये यहाँ पर MC क्या है, MC हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमने अभी निकाली है, ये MC हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर कुछ है नहीं मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर 0 या ब्लैंक छोड़ देंगे। अब फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर 30 हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये 30 आ जाएगा। फिर प्लस 20 ऐड कर देंगे, सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट 20 है, तो 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50 और थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पर कितना है, मार्जिनल कॉस्ट 16, तो 50 प्लस 16 कर देंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस 66, 50 प्लस 16 ये हो जाएगा 66। अब फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 14 है और ऐड कर देंगे 66, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 14, इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 80। 80 हमारी क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर है। अब हमें फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो है फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 20, तो 80 प्लस 20 कर देंगे, ये आ जाएगा 100। सिक्स्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर अब हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 100 प्लस 50, ये बहुत ही सिंपल है, 150 आ जाएगा। 100 प्लस 50 कितना होता है, 150। तो हमारी सिक्स्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर भी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, TFC। ये हमारी क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जो टोटल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर होगी वो हमारी क्या होगी, TFC होगी। यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी क्या है, TFC है। तो यहाँ पर देख लेंगे टोटल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या है, यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, टोटल कॉस्ट कितनी है 120, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट जो है 120 है। तो ये हमारी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम होती है, तो यहाँ पर 120 हर लेवल ऑफ आउटपुट पर हम लिख लेंगे 120 हर लेवल ऑफ आउटपुट पर क्यों होगी, इसके पीछे का रीज़न हम समझ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती, जैसे कि हम कोई भी ऑफिस हमने रेंट पर लिया है और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट हमारा ज़ीरो हो 1 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रेंट पे करना ही करना है। रेंट हमारी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो तो हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें। आउटपुट कितना भी है हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर अफेक्ट नहीं करेगी, जो आउटपुट हमारा है उससे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज होगी। तो हम प्रोडक्शन करें या ना करें हर लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। मान लो रेंट 1000 है तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर रेंट 1000 रहेगा, ये नहीं कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो रेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC हमारी सेम है। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इससे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। हमने TFC अभी निकाली, अब निकालने जा रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होगा TFC डिवाइडेड बाई क्वांटिटी और आउटपुट। आउटपुट यहाँ पर हम क्वांटिटी या आउटपुट कुछ भी लिखें, सेम चीज़ है दोनों। तो यहाँ पर हमारा TFC हमने निकाल ली, हमें आउटपुट भी पता है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगी। हमने यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला लिखा है TFC डिवाइडेड बाई आउटपुट, तो हमारी क्या आएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 120 हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC है, तो 120 पहले ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो आएगी। तो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी। अब किस पर निकालना है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC हमारी कितनी है, 120 है, और इसे 120 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 120। ये हमारी क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हमें किस पर निकालना है, सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो हमारी TFC पता है हमें कि हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहेगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 120 को, ये आएगा 60। 120 डिवाइडेड बाई 2 ये 60 आएगा। थर्ड पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थर्ड आउटपुट पर 40, और फिर 120 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 30। अब फोर्थ आउटपुट पर हम TFC हमें पता है, AFC निकालनी है, तो 120 डिवाइडेड बाई, सॉरी फोर्थ पर हमने निकाल ली, फिफ्थ पर हमें पता करना है, तो डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये आएगा 24। फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी निकल कर आई 24। अब हमें लास्ट निकालना है 120 डिवाइडेड बाई, सेम तरीका है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 20। ये हमारी क्या निकल कर आई है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर पता है तो उससे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आराम से निकल जाएगी। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाल ली थी, इससे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट और क्वांटिटी। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली, आउटपुट हमें पता है तो इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, आउटपुट भी जीरो है तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टीवीसी हमारी कितनी है 30 है, डिवाइड कर देंगे 1 से तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 30 ही आएगी। अब सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टीवीसी हमारी कितनी है 50, डिवाइड कर देंगे आउटपुट जो कि 2 है तो 50 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा 25। थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 66 है, डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आएगा 22। ये हमारी क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 80 है, डिवाइड कर देंगे 4 से तो ये आएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 ये 20 आएगा। अब नेक्स्ट पे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100 है, डिवाइड करेंगे आउटपुट से जो कि 5 है तो ये भी हमारा 20 ही आएगा। 100 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना आएगा 20। अब नेक्स्ट हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 150 है, डिवाइड कर देंगे 6 से तो 150 डिवाइड करेंगे आउटपुट से। आउटपुट हमारा कितना है 6 है, 150 डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो ये आ जाएगा 25। ये हमारा क्या निकल कर आया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक बार क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे कि क्या क्या पूछा था हमसे। तो हमसे यहाँ पर पूछा था, ऊपर कर लेते हैं इसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली। और क्या पूछा था हमसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए, तो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ली। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए कहा था तो टीएफसी से हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल ली। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए कहा था तो टीवीसी से हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ली। और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट थी तो वो हमने सबसे पहले निकाल ली थी मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल ली थी। और हमने मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी, टीएफसी, एएफसी और एवीसी का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख रखा है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी थी, यहाँ पर क्या था मार्जिनल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर क्यों नहीं कैलकुलेट होती। मार्जिनल कॉस्ट हम की डेफिनेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये क्या होती है, जब भी हम एक एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, जब भी एक एडिशनल गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर जो कॉस्ट होती है वो हमारी क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हम एडिशनल, यहाँ पर हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो एडिशनल क्या बनाएंगे। तो हम जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट से, इसीलिए हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।